अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चेहरे के वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के खात्मे के लिए, चेहरे की सन टैनिंग को ख़त्म करने के लिए, चेहरे की छाइयों को ख़त्म करने के लिए आपको एक बेहतरीन टिप बताने जा रही हूँ। अगर आपके चेहरे की स्किन ड्राई है या एक्ने दाने हैं तो आप लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके एक्ने पिंपल्स हैं, एक्ने पिंपल्स में पेन फील होता है तो आप लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा। ये टिप बहुत ही आसान है और सादा सी है, आप गर्मियों सर्दियों दोनों मौसमों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सर्दियों में चेहरे की स्किन रफ़ हो जाती है, चेहरे पर ड्राइनेस सी आ जाती है और ऑयल भी बनना शुरू हो जाता है, तो आप ऐसा करेंगे, एक चम्मच आप आलू का जूस लेंगे और आधा चम्मच शहद लेंगे। इन दोनों का मिक्सचर तैयार करके आप स्किन पर अप्लाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो महीने में एक मरतबा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप में जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो दो ही हैं और आसान से हैं। आपने आलू का जूस लेना है 1 चम्मच और आधा चम्मच आपने शहद लेना है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने आलू का जूस ऑलरेडी लेके रखा है, अब मैं इसमें आधा चम्मच शहद को ऐड करूँगी। अब हम इन अज्जा का मिक्सर तैयार कर लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये स्मूथ सा मिक्स तैयार हो जाए और स्किन पर अप्लाई भी हो सके। दस मिनट के लिए ही आपने इसको स्किन पर अप्लाई करना है। ये देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स तैयार हो गया है। पोटैटो मास्क, पोटैटो वाइटनिंग मास्क, पोटैटो एक्नी मास्क भी के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मिक्सर तैयार हो गया है, अब आप इसको उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से लेप की सूरत में लगाएंगे। 3 से 4 कोट आप इसके लगाएंगे और 10 मिनट के बाद आप स्किन को वॉश कर लेंगे। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। लड़के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर उम्र के अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ही खास है। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।